जिनको भी महाभारत में इंटरेस्ट है या स्टोरी पढ़ना पसंद है, ये वीडियो उनके लिए। स्वागत है मेरे चैनल पर दोस्तों। पिछले वीडियो पे हमने बात किया था कि अभिमन्यु किस तरह से चक्रव्यूह में घुसते हैं और सभी रथियों को पराजित करते हैं। तो पिछला सारे वीडियो आप देख सकते हैं, ऊपर लिंक्स में दे दिया है, या फिर इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पर क्लिक करके डिटेल में जाके देख सकते हैं। उसके बाद दुर्योधन को गुस्सा आया और दुर्योधन ने दुशासन कर्ण को भेजा। तो इसलिए आज का चैप्टर है अभिमन्यु के द्वारा दुशासन और कर्ण की पराजय। तो किस तरह से पराजित किया था वो पता चलेगा, और भी दो तीन चैप्टर है। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर उन दोनों पुरुष सिंहों में घोर युद्ध होने लगा। उस समय शत्रु वीरों का संहार करने वाले महाबाहु सुभद्रा कुमार ने बड़ी स्फूर्ति के साथ दुशासन के बाणों सहित धनुष को काट गिराया और उसे अपने भयंकर बाणों द्वारा सब ओर से क्षतविक्षत कर दिया। इसके बाद बुद्धिमान अभिमन्यु किंचित मुस्कुरा कर सामने विपक्ष में खड़े हुए दुशासन से, जिसका शरीर बाणों से अत्यंत घायल हो गया था, उससे इस प्रकार कहा, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मैं युद्ध में सामने आए हुए और अपने को शूरवीर मानने वाले तुझ अभिमानी निष्ठुर धर्मत्यागी और दूसरे की निंदा में तत्पर रहने वाले शत्रु को प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। ओ मूर्ख, तूने दूध कीड़ा में विजय पाने से उन्मत्त होकर सभा में राजा धृतराष्ट्र के सुनते हुए, जो अपने निष्ठुर वचनों द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर को कुपित कर दिया था, और शकुनी के आत्मबल जुए में छलकपट का आश्रय लेकर जो भीमसेन के प्रति बहुत सी अंटसंड बातें कही थी, इससे उन महात्मा धर्मराज को जो क्रोध हुआ, उसी का ये फल है कि तुझे आज ये दुर्दिन प्राप्त हुआ है। दूसरे के धन का अपहरण, क्रोध, अशांति, लोभ, ज्ञान, लोभ, द्रोह, दुस्साहपूर्ण बर्ताव तथा मेरे उग्र धनुधर पितरों के राज्य का अपहरण, इन सभी बुराइयों के फलस्वरूप उन महात्मा पांडवों के क्रोध से तुझे आज ये बुरा दिन प्राप्त हुआ है। दुर्मते, तू अपने उस अधर्म का भयंकर फल प्राप्त कर। आज मैं सारी सेनाओं के देखते देखते अपने बाणों द्वारा तुझे दंड दूंगा। आज मैं युद्ध में उन महात्मा पितरों के उस क्रोध का बदला चुकाकर उत्तीर्ण हो जाऊंगा। कुरुकुल कलंक, आज रोष में भरी हुई माता कृष्णातुल्य प्रीतितुल्य भीमसेन का अविष्ट मनोरथ पूर्ण करके इस युद्ध में उनके ऋण से उत्तीर्ण हो जाऊंगा। यदि तू युद्ध छोड़कर भाग नहीं जाएगा तो आज मेरे हाथ से जीवित नहीं छूट सकता। ऐसा कहकर शत्रु वीरों को नाश करने वाले महाबाहु अभिमन्यु ने काल अग्नि और वायु के समान तेजस्वी बाण संधान किया, जो दुशासन के प्राण लेने में समर्थ था। यह बाण तुरंत ही उसके वक्षस्थल पर पहुंचकर उसके गले की हंसली को वितीर्ण करता हुआ पंख सहित भीतर घुस गया, मानो कोई सर्प बामी में समा गया हो। तत्पश्चात अभिमन्यु ने दुशासन को 25 बाण और मारे। धनुष को कान तक खींचकर चलाए हुए उन बाणों द्वारा, जिनका स्पर्श अग्नि के समान दारुक था, गहरी चोट खाकर दुशासन व्यतीत हो दत्त की बैठक में बैठ गया। महाराज, उस समय उसे भारी मूर्छा आ गई, यानी बेहोश होने लगा। तब अभिमन्यु के बाणों से पीड़ित एवं अचेत हुए दुशासन को सारथी बड़ी उतावली के साथ युद्ध स्थल से बाहर हटा ले गया। उस समय पांडव 5, द्रौपदी कुमार, राजा विराट, पांचाल और कैकेय दुशासन को पराजित हुआ देख जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। पांडवों के सैनिक वहां हर्ष में भरकर नाना प्रकार के सभी रणवाद्य बजाने लगे और मुस्कुराते हुए वे सुभद्रा कुमार को पराक्रम देखने लगे। घमंड में भरे हुए अपने कट्टर शत्रु को पराजित हुआ देख अपनी ध्वजा के अग्रभाग में धर्म, वायु, इंद्र, अश्विनी कुमारों की प्रतिमा धारण करने वाले महारथी द्रौपदी कुमार, सत्य की चकितान दृष्टिदुम्य सिकंडी कैके राजकुमार, दृष्टिकेतु, मत्स्य, पांचाल, सिजय तथा युधिष्ठिर आदि पांडव बड़े हर्ष के साथ उतावले होकर द्रोणाचार्य के व्यूह का भेदन करने की इच्छा से उस पर टूट पड़े। तदनंतर विजय की अभिलाषा रखकर युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले आपके शूरवीर सैनिकों का शत्रु के साथ महान युद्ध होने लगा। महाराज, जब इस प्रकार अत्यंत भयंकर संग्राम हो रहा था, उस समय दुर्योधन ने राधा पुत्र कर्ण से यूं कहा, कर्ण, देखो वीर दुशासन सूर्य के समान शत्रु सैनिकों को संतप्त करता हुआ युद्ध में उन्हें मार रहा है। इसी अवस्था में वो अभिमन्यु के वश में पड़ गया है। इधर ये क्रोध में भरे हुए पांडव सुभद्रा कुमार की रक्षा करने के लिए उद्यत हो प्रचंड बलशाली सिंहों के समान धावा कर चुके हैं। ये सुनकर आपके पुत्र का हित करने वाला कर्ण अत्यंत क्रोध में भरकर दुर्धर्ष वीर अभिमन्यु पर तीखे बाणों की वर्षा करने लगा। तो दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि अभिमन्यु कर्ण के सामने कुछ भी नहीं था, ठीक है। कर्ण ने अभिमन्यु को मुस्कुराते हुए छोड़ दिया था, उस पर कोई तीर चलाया नहीं था, ठीक है। तो सच्चाई क्या है आप देख लीजिए। सुरवीर कर्ण ने सम्रांगण में सुभद्रा कुमार के सेवकों को भी तीखे और उत्तम बाणों द्वारा अवहेलनापूर्वक बीन डाला। राजन, उस समय महामनुष्य अभिमन्यु ने द्रोणाचार्य के समीप पहुंचने की इच्छा रखकर तुरंत ही 73 बाणों द्वारा कर्ण को घायल कर दिया। कोई भी रथ समूह को नष्ट भ्रष्ट करते हुए इंद्र कुमार अर्जुन के उस पुत्र को द्रोणाचार्य की ओर आने से
द्रोणाचार्य की ओर जाने से रोक नहीं सके। विजय पाने की इच्छा रखने वाले संपूर्ण धनुर्धारियों में मानी अस्त्र विद्या में श्रेष्ठ परशुराम जी के शिष्य और प्रतापी वीर कर्ण ने अपने उत्तम अस्त्रों का प्रदर्शन करते हुए सैकड़ों बाणों द्वारा शत्रु दुर्जय सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को बीन डाला और समरांगन में उसे पीड़ा देना आरंभ किया। कर्ण के द्वारा उसकी अस्त्र वर्षा से पीड़ित होने पर भी देवतुल्य अभिमन्यु समरभूमि में शिथिल नहीं हुआ। तत्पश्चात अर्जुन कुमार ने शान पर चढ़ाकर तेज किए हुए झुकी हुई गांड वाले तीखे भल्लों द्वारा शूरवीरों के धनुष काटकर कर्ण को सब ओर से पीड़ा दी। उसने मुस्कुराते हुए से अपने मंडलाकार धनुष से छूटे हुए विषधर सर्प के समान भयानक बाणों द्वारा छत्रध्वज सारथी और घोड़ों सहित कर्ण को शीघ्र ही घायल कर दिया। कर्ण ने भी उसके ऊपर झुकी हुई गांड वाले बॉर्ड से बाण चढ़ाए, परंतु अर्जुन कुमार ने उन सबको बिना किसी घबराहट के सह लिया। तदनंतर दो ही घड़ी में पराक्रमी वीर अभिमन्यु ने एक बाण मारकर कर्ण के ध्वज सहित धनुष को पृथ्वी पर काट गिराया। कर्ण को संकट में पड़ा देख उसका छोटा भाई सुदृढ़ धनुष हाथ में लेकर तुरंत ही सुभद्र कुमार का सामना करने के लिए आ पहुंचा, यानी कर्ण को बचाने के लिए कर्ण का भाई आ पहुंचा अभिमन्यु से लड़ने के लिए। उस समय कुंती के सभी पुत्र और उनके अनुगामी सैनिक जोर जोर से गरजने, बाजे बजाने और अभिमन्यु की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर अभिमन्यु के द्वारा कर्ण के भाई का वध और कौरव सेना का संघार और पलायन। संजय कहते हैं, राजन, कर्ण का वो भाई हाथ में धनुष ले अत्यंत गरजता और प्रत्यंचा को बार बार खींचता हुआ तुरंत ही उन दोनों महामनुष्वी वीरों के रथों के बीच में आ पहुंचा। उसने मुस्कुराते हुए से 10 बाण मारकर दुजय वीर अभिमन्यु के छत्र ध्वज सारथी और घोड़ों सहित शीघ्र ही घायल कर दिया। अपने पिता पितामाओं के अनुसार मानवीय शक्ति से बढ़कर पराक्रम प्रकट करने वाले अर्जुन कुमार अभिमन्यु को उस समय बाणों से पीड़ित देख आपके सैनिक हर्ष से खिल उठे। तब अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए से अपने धनुष को खींचकर एक ही बाण से कर्ण के भाई का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। उसका वो सिर रथ से नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ा, मानो वायु के वेग से हिलकर उखड़ा हुआ कनेरे का वृक्ष पर्वत शिखर से नीचे गिर गया है। राजन, अपने भाई को मारा गया देख कर्ण को बड़ी व्यथा हुई। इधर सुभद्र कुमार अभिमन्यु ने गीत की पांख वाले बाणों द्वारा कर्ण को युद्ध से भगाकर दूसरे दूसरे महाधनुर्धर वीरों पर भी तुरंत ही धावा किया, यानी कर्ण अभिमन्यु से पराजित होकर भाग गए। यहाँ पे लिखा है, देखिए, उस समय क्रोध में भरे हुए प्रचंड तेजस्वी महारथी अभिमन्यु ने हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों से युक्त उस विशाल चतुरंगिनी सेना को विदीर्ण कर डाला। अभिमन्यु के चलाए हुए बहुसंख्यक बाणों से पीड़ित हुआ कर्ण अपने वेगशाली घोड़ों की सहायता से शीघ्र ही रणभूमि से भाग गया। इससे सारी सेना में भगदड़ मच गई। राजन, उस दिन अभिमन्यु के बाणों से सारा आकाश मंडल इस प्रकार आच्छादित हो गया था मानो टिड्डी दलों से अथवा वर्षा की धाराओं से व्याप्त हो गया हो। उस आकाश में कुछ भी सूझता नहीं था। महाराज, पैने बाणों द्वारा मारे जाते हुए आपके योद्धाओं में से सिंधुराज जयद्रथ को छोड़कर दूसरा कोई वहाँ ठहर ना सका। भारत श्रेष्ठ पुरुष प्रभा सुभद्र कुमार अभिमन्यु ने शंख बजाकर पुनः शीघ्र ही भारतीय सेना पर धावा किया। सूखे जंगल में छोड़ी हुई आग के समान वेग से शत्रुओं को दग्ध करता हुआ अभिमन्यु कौरव सेना के बीच में विचरने लगा। उस सेना में प्रवेश करके अपने अपने तीखे बाणों द्वारा रथों, हाथियों, घोड़ों और पैदल मनुष्यों को पीड़ित करते हुए सारी रणभूमि को बिना मस्तक के शरीर से पाट दिया। सुभद्रा कुमार के धनुष से छूटे हुए उत्तम बाणों से क्षतविक्षत हो आपके सैनिक अपने जीवन की रक्षा के लिए सामने आए हुए अपने ही पक्ष के योद्धाओं को मारते हुए भाग चले। अभिमन्यु के वे भयंकर कर्म करने वाले घोर तीक्ष्ण और बहुसंख्यक विषाद नामक बाण आपके रथों, हाथियों और घोड़ों को नष्ट करते हुए शीघ्र ही धरती में समा जाते थे। उस युद्ध में आयुध, दस्ताने, गदा और बाजूबंद सहित वीरों की सुवर्ण भूषण भूषित भुजाएं कटकर गिरी दिखाई देती थी। उस युद्ध भूमि में धनुष, बाण, खड़ग, शरीर और हार और कुंडलों से विभूषित मस्तक शस्त्रों की संख्या में छिन्न भिन्न होकर पड़े थे। आवश्यक सामग्री बैठक, ईर्षादंड, बंदूर, यक्ष, पहिए और जुए चुरचुर और टुकड़े टुकड़े होकर गिरे थे। शक्ति, धनुष, खड़ग, गिरे हुए विशाल ध्वज, ढाल और बाणों की छिन्न भिन्न होकर सवर बिखरे पड़े थे। प्रजानाथ, बहुत से क्षत्रिय घोड़े और हाथी भी मारे गए थे। इन सब के कारण वहाँ की भूमि क्षण भर में अत्यंत भयंकर और अगम्य हो गई थी। बाणों की चोट खाकर परस्पर क्रंदन करते हुए राजकुमारों का महान शब्द सुनाई पड़ता था जो कायरों का भय बढ़ाने वाला था। भरत श्रेष्ठ, ये शब्द संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित कर रहा था। सुभद्र कुमार श्रेष्ठ घरों, रथों और हाथियों का संघार करता हुआ कौरव सेना पर टूट पड़ा। सूखे जंगल में छोड़ी हुई आग की भांति अर्जुन कुमार अभिमन्यु वेग से शत्रुओं को दग्ध करता हुआ कौरव सेना के बीच में दृष्टिगोचर हो रहा था। भारत,
धूल से आच्छादित हुई सेना के भीतर संपूर्ण दिशाओं और विदिशाओं में विचरते हुए अभिमन्यु को उस समय हम लोग देख नहीं पाते थे। भरत नंदन हाथियों घोड़ों और पैदल सैनिकों की आयु को छीनते हुए अभिमन्यु को हमने क्षण भर में दोपहर के सूर्य की भांति शत्रु सेना को पुनः तपाते हुए देखा। महाराज इंद्रकुमार अर्जुन का वो पुत्र युद्ध में इंद्र के समान पराक्रमी जान पड़ता था, जैसे पूर्वकाल में पराक्रमी कुमार कार्तिकीय असुरों की सेना में उसका श्रृंगार करते हुए सुशोभित होते थे, उसी प्रकार अभिमन्यु कौरव सेना में विचरता हुआ शोभा पा रहा था। तो दोस्तों ये थे आज के चैप्टर, आशा करता हूँ पसंद आया होगा। मिलता है अगले चैप्टर पे, अभिमन्यु के पीछे जाने वाले पांडवों का जयद्रथ का वर के प्रभाव से रोक देना।